आज का टॉपिक है अपना इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर क्या है, इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर कहां पर लगाया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है और इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर क्या है? इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर यह एक इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है जो वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पीटी, पीटी का पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है। नंबर दो सीटी, सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफॉर्मर है। सबसे पहले समझ लेते हैं अपन पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यह एक इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहां पर लगाया जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लोड के पैरेलल में लगाया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। वोल्टेज घट जाता है तो करंट बढ़ जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जहां पर हाई वोल्टेज की लाइन होती है वहां पर हाई वोल्टेज वोल्टमीटर के द्वारा मेजर करना संभव नहीं होता है। वहां पर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लगाकर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को 110 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है और 110 वोल्ट से आरंभ से वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज को मेजर किया जाता है। जैसे 11 केवी की लाइन है वहां पर 11 केवी वोल्टेज को वोल्टमीटर के द्वारा मेजर करना संभव नहीं होता है। वहां पर 11 केवी अपॉन 110 वोल्ट रेशियो का पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर 11 केवी को 110 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है और 110 वोल्ट से वोल्टमीटर के द्वारा आरंभ से वोल्टेज को मेजर किया जाता है। अब समझते हैं कि करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है। करंट ट्रांसफॉर्मर यह एक इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफॉर्मर होता है। करंट ट्रांसफॉर्मर कहां पर लगाया जाता है? करंट ट्रांसफॉर्मर लोड के सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि करंट ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन भी देता है। करंट ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया जाता है? करंट ट्रांसफॉर्मर करंट को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। करंट ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है? करंट ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। करंट ट्रांसफॉर्मर करंट को कम कर देता है और वोल्टेज को बढ़ा देता है। जहां पर हाई करंट फ्लो होता है वहां पर एमीटर के द्वारा करंट को मेजर करना संभव नहीं होता है। वहां पर करंट ट्रांसफॉर्मर लगाकर करंट ट्रांसफॉर्मर हाई एम्पियर करंट को लो एम्पियर करंट में परिवर्तित कर देता है और लो एम्पियर करंट से आरंभ से एमीटर के द्वारा करंट को मेजर किया जाता है। जैसे मान लो 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी लाइन में, वहां पर 500 एम्पियर बटे 1 एम्पियर रेशियो का करंट ट्रांसफॉर्मर या 500 एम्पियर बटे 5 एम्पियर रेशियो का करंट ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है और करंट ट्रांसफॉर्मर 500 एम्पियर करंट को 1 एम्पियर में या 5 एम्पियर में परिवर्तित कर देता है और 1 एम्पियर से या 5 एम्पियर से आरंभ से एमीटर के द्वारा करंट को मेजर किया जाता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या है और करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहां पर लगाया जाता है, करंट ट्रांसफॉर्मर कहां पर लगाया जाता है और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, करंट ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।